बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आयशा किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू बहारे की चटनी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पर बड़ी आसानी से झटपट आलू बहारे की चटनी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं। आलू बहारे की चटनी तैयार करने के लिए जो हम इंग्रीडियंट्स चाहिए उनमें आलू बहारा है, जो कि तैयार करने से 2 घंटे पहले हमने 2 कप पानी में भिगो दिया था। चीनी, सिरका, रू अफ़ज़ा, इलायची पाउडर और साबुत इलायची, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, बादाम जो कि भिगो के उसके छिलके उतार के रख लिया है और चारों मगज़ शामिल हैं। आलू बहारे की चटनी तैयार करने के लिए हमने एक पॉट ले लिया है और फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। इस पॉट के अंदर हम आलू बहारा डाल देंगे और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, अब इस स्टेज पे आके हम चीनी डाल देंगे और उसको हम मुसलसल हलाते जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, इलायची पाउडर और साबुत इलायची ये डाल देंगे, सिरका डाल देंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और साथ हम रू अफ़ज़ा डालेंगे। रू अफ़ज़ा डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है और इसको हम 4 से 5 मिनट मज़ीद पका लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू बहारे की चटनी तैयार हो गई है। ये देखिए, इसको हमने और ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाती है। बादाम ऐड कर देने हैं और साथ चारों मग्ज ऐड कर देने हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू बहारे की चटनी तैयार हो गई है। इंशाल्लाह जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसे ही ज़बरदस्त और खट्टी मीठी सी चटनी तैयार कर पाएंगे। और ये देखें कैसी ज़बरदस्त तैयार हुई है, और इसको आप ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।